व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मज़ेदार अपने व्यूअर्स के साथ में शेक शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही मज़े का है, मेरा तो मोस्ट फेवरेट है। और इस समर में अपने व्यूअर्स के साथ अपने फेवरेट शेक, स्मूदीज और जूसेस शेयर करूँगी, तो आप कोई भी मिस नहीं कीजिएगा। देखें कितना मज़ेदार, चॉकलेट चंक्स, वनीला एसेंस, गोल्ड कैफे, फ्रूट्स, चॉकलेट्स और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ बनने जा रहा है ये मेरा फेवरेट शेक। चलें व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मज़ेदार शेक, चीकू लिए हैं मैंने तकरीबन 3 अदद, और 3 अदद ही बनानास हैं, और ये 4 अदद डेट्स हैं। इसकी मोस्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में जा रहा है कोकोनट मिल्क पाउडर, जो इस शेक के फ्लेवर को, टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। फुल क्रीम मिल्क जा रहा है, शुगर जा रही है, चॉकलेट जा रही है, और चले अब इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेट्स, बनानास, चीकू, शुगर, सब चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, अब ये फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस जा रहा है, कॉफ़ी सबकी ही पसंदीदा, बच्चे और बड़े सभी कॉफ़ी के टेस्ट को बहुत लाइक करते हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी के बाद अब बच्चों की मन पसंदीदा चॉकलेट जा रही है, यमी, ये तो सबको ही बहुत अच्छी लगती है, दूध। और अब चलें हम मज़ेदार शेक को ब्लेंडिंग करने जा रहे हैं, और ये दूध पोर हो रहा है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम अपने व्यूअर्स के साथ इस शेक को सर्व करने जा रहे हैं। देखें इतनी प्यारी सर्विंग ग्लासेस में, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है व्यूअर्स। गर्मी का ये सीज़न और कुछ भी चिल, ठंडा ठंडा कोई रिफ्रेशिंग शेक, मिल्क, पावर, एनर्जी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो इसमें व्यूअर्स हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स अब नोट डाउन करें जो बच्चों को भी तो अट्रैक्ट करें ना। जी हाँ, यहाँ पे बच्चों की भी पसंद को हम ज़ेरे गौर रखते हैं। और चलें बच्चों, चॉकलेट चंक्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे मज़ेदार शेक रेडी है। तो यहाँ पे आप शेक को अब एंजॉय करें। मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, और आने वाली रेसिपी में आप अपनी भी कोई फेवरेट रेसिपी लेना चाहें शेक्स की, स्मूदीज की, जूसेस की, तो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।